Now I am going to start question number 11 for same exercise 1.3, and this question is very important. So question is here, consider f such that 1 2 3, देख रहे होंगे कि 1 2 3 ए बी सी में तो गिवन बाय दिया हुआ है f 1 इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1, f 2 इक्वल टू बी, f 3 इक्वल टू सी. तो फाइंड कहता है द नंबर, फाइंड द इनवर्स ऑफ f इनवर्स ऑफ f इनवर्स सो दैट f इनवर्स इक्वल टू f. इसको देखेंगे, फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है f 1 इज इक्वल टू a और f 2 इक्वल टू दिया हुआ है b और f 3 इक्वल टू दिया हुआ है c. तो इस पर यदि हम कहें आपको कि 1 निकालना है तो आप कहोगे f इनवर्स a होगा, ऐसे भी कह सकते हैं, या इसको लिख सकते हो ऐसे भी कि f इनवर्स b निकालिए तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, f इनवर्स 3 निकालिए सॉरी f इनवर्स c निकालिए तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा. इस तरह से निकाल सकते हैं, यानी कि हमारे ऑर्डर पैर में यह जो दिया हुआ है 1 a दिया हुआ है, क्या f इज इक्वल टू दिया हुआ है, 2 b दिया हुआ है और 3 c दिया हुआ है. यही फंक्शन क्या हो जाएगा जब इसका f इनवर्स हम निकालेंगे, यहाँ से देखेंगे f इनवर्स ऑफ a इक्वल टू 1 निकल गया, यानी कि a पर 1 निकला, b पर क्या निकला 2 निकला और c पर क्या निकला 3 निकला. सो यही तो f इनवर्स है. यानी कहने का मतलब इस तरह से फंक्शन हमें डिफाइन है और इधर दिया हुआ है 1 2 3 और इधर दिया हुआ है a b c, तो हमें इधर फिर क्या चाहिए 1 2 3 तो चाहिए फंक्शन इस तरह से, और हमको 1 1 1 तो चेक करना पड़ता है तब जाके इन्वर्स निकलता है यानी बाइजेक्टिव होने के लिए. तो देखेंगे कि 1 1 फंक्शन है, सबका डिस्टिंक्ट इमेज है और इस में क्या है x इसको और y मान लेते हैं, तो y में कोई भी एलिमेंट क्या हुआ रहा नहीं बच रहा है, सो इसलिए फंक्शन बाइजेक्टिव है और इसका इन्वर्स हम लोग निकाल सकते हैं. यहाँ पर देख रहे हैं इसी तरह से कि f इनवर्स यदि मैंने निकाला तो क्या हो गया, a का 1 हो गया, b का 2 हो गया, तो यानी कि फंक्शन को मैंने पढ़ाया भी था इस तरह से इन्वर्टेबल को, यदि a टू b में है और फिर b टू a में आ जाए, तो मैंने इसे दिखाया कि a टू b में और फिर b टू a में 1 2 3 आ जाए, यानी कि फंक्शन हम f इनवर्स a आराम से निकाल सकते हैं इस तरह से. और भी दूसरे तरीके से बताएंगे वीडियो लेक्चर लेके कि किस तरह से इसको फिर हम और भी एक्सप्लेन करके बता सकते हैं. और एक दूसरा पॉइंट इसमें यदि था दूसरे पार्ट में है उसको भी देखेंगे, शॉर्टकट में मैं इसको थोड़ा बताने का प्रयास कर रहा हूँ. x और y है यदि लेते हैं, और इसको मैंने x लिया और इसको fx लिया, तो ये क्या हो जाता है gfx हो जाता है. तो ये इसका मतलब क्या हो रहा है कि इस तरह से फंक्शन है और यह फंक्शन क्या हो जाए इसके बराबर हो जाए, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर कि gfx इज इक्वल टू x इसके अकॉर्डिंगली. देखिए यहाँ पर 1 2 3 है सेम, यहाँ पर 1 2 3 आया, यहाँ से लिखिए 1 a तो फिर a 1 आ गया, नहीं यानी कि 1 से a और फिर a से 1 आ गया फंक्शन ऐसे, तब तो यह इन्वर्सेबल है. यानी कि gfx इक्वल टू x है और आपको यहाँ पर हम कहें कि भाई निकालिए fx इज इक्वल टू, क्या कहोगे आप fx इक्वल टू जी इनवर्स x कहेंगे आराम से, कहीं दिक्कत नहीं है. और अब यहाँ पर क्या कह सकते हैं f इक्वल टू क्या कह सकते हैं जी इनवर्स x x कंसीड. अब f इनवर्स इक्वल टू जी यदि कह सकते हैं और यदि हम इसी का फिर कहें कि नहीं हमको f इनवर्स चाहिए अब यहाँ पर, तो f इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा जी हो जाएगा आराम से. इसी को हम देखिए f इनवर्स ले लिए इक्वल टू जी हो गया, जी इक्वल टू f इनवर्स भी लिख सकते हैं. अब इसका इनवर्स ले लेते हैं f इनवर्स का इनवर्स, तो क्या हो जाएगा फिर जी का इनवर्स भी तो लेना होगा, यानी कि अप्लाइंग बोथ साइड्स जी इनवर्स, तो f इनवर्स का इनवर्स इधर तो रह गया, f इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू g इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा जी हो, g इनवर्स इक्वल टू क्या है देखेंगे यहाँ पर f है, यानी कि f है, इसीलिए हम लोग क्या कर दिए इसको प्रूफ कर दिए एनालिटिकली. ऐसे तो समझ में आ रहा ही है, आता ही है कि 1 2 3 से ए बी सी में गया, फिर ए बी सी से 1 2 3 में गया. इसको फिर हम लोग देखेंगे एलिब्रेट करके वीडियो लेक्चर में किस तरह से इसको हम समझ पाते हैं. फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन. थैंक्स.